तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। गेमिंग न्यूज 15 के हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिन की टॉप 14 इंटरेस्टिंग न्यूज। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट वर्सेस गॉडलाइक एंड जोनाथन के बारे में। तो गाइस, काफी टाइम बाद हमको BGMI में टीम स्काउट वर्सेस गॉडलाइक देखने को मिला। बेसिकली टीम स्काउट के ऊपर टीम गॉडलाइक पुश किए थे एंड उसके रेस्पॉन्स में स्काउट टीम गॉडलाइक के 3 प्लेयर्स को नॉक कर दिए। देन आखिरी में बचे थे गाइस जोनाथन। फिर हमको 1v1 दोनों प्लेयर्स के बीच में देखने को मिला एंड दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो। अबे यार, अरे एंटी भाई, एंड गाइस टीम स्काउट एंड गॉड लाइक के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल के बारे में। तो गाइस कुछ दिन पहले अभी 2 BGMI टूर्नामेंट्स में टीम सोल एलिमिनेट हो गए थे। तो वो चीज के बारे में आज सोल नकुल बात की, क्या टीम के अंदर कोई सिनर्जी इशू चल रहा है जब से 2 प्लेयर नए आए हैं। एग्जैक्टली इसके बारे में बात करते वो ये कहे, भाई एक्सक्यूज कब खत्म होंगे और परफॉर्मेंस कब आएगा। एक्सक्यूज नहीं है यार, अब सिनर्जी इशू चल रहे हैं एक्चुअली में, तो क्या बोले, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, अब हो जाएगा ठीक टाइम के साथ साथ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम गॉडलाइक के न्यू कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको इसका हिंट दिया था कि हमको टीम गॉडलाइक में 2 न्यू CCs देखने को मिल सकते हैं। एंड फाइनली इसके बारे में गॉडलाइक साक्षी लाइव स्ट्रीम पर बात की एंड काइंड ऑफ वो कंफर्म कर दिया कि कितने CCs आने वाले हैं, आप देख लो। इस बच्चू जॉइनिंग गॉडलाइक, आई नो सम पीपल आर कमिंग, आई थिंक 2 न्यू क्रिएटर्स आर कमिंग फीमेल, आई थिंक 1 इज, एक का श्योर हो गया, दूसरी का मुझे आइडिया नहीं है, बट आ रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग सम गुड नाइस CCs इन द ऑर्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो या आई एम एक्साइटेड, मजा आएगा। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ओरैंगुटैन AKOP के बारे में। तो गाइस आगे आने वाले कुछ भी जमा स्क्रीम्स हैं टूर्नामेंट के मैचेस AKOP नहीं खेल पाएंगे। इस पर बात करते वो ये कहे, एक पर्सनल मैटर की वजह से मैं आने वाले स्क्रीम्स एंड टूर्नामेंट्स में नहीं खेल पाऊंगा अभी के लिए एंड एक हफ्ते के अंदर आप सबको सारी अपडेट्स दे दूंगा, टिल देन टेक केयर। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सिड के बारे में। तो क्या सिड फेमस यूट्यूबर्स राउंड टू हेल को नहीं जानते हैं। वे लाइव स्ट्रीम पर गाइस वो कैरिमिनाटी की लेटेस्ट वीडियो मिस्टर बीस्ट पैरोडी पर रिएक्ट कर रहे थे। तो जो टाइम पर गाइस राउंड 12 का पार्ट आया था वो उनको पहचान नहीं पाए थे, बट इसके बाद कुछ लोग उनको हेट देना चालू कर दिए होंगे। फिर इस पर बात करते हुए सिड ये कहे, लोग मेरे को गाली डाल रहे हैं, मेरे को R2H पता नहीं, तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता यार, मैंने इतना रिस्पेक्टफुली पूछा, बात किया मैंने, ऐसा थोड़ी कुछ इंसल्टिंग तरीके से बोला कि अरे कौन है ये, मेरे को पता नहीं, मेरे को जनरली नहीं पता था यार, झूठ थोड़ी बोलूंगा। मतलब क्या है ना, मैं यूट्यूब पर इतना कॉन्टेंट कंज्यूम करता नहीं हूँ, बहुत टाइम से मैंने किया नहीं है और कभी मेरे एल्गोरिथम वगैरह में भी वो टाइप के वीडियोज आए नहीं है, मैं ऐसे स्केचेस वगैरह यू नो ज्यादा देखता नहीं था कभी भी, तो किसी के फीलिंग्स अगर हर्ट हुए जो होने नहीं चाहिए टेक्निकली, अगर आप थोड़े से भी मतलब नॉर्मल हो तो फीलिंग्स या सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, बट अगर हर्ट हो गए तो सॉरी यार, देख लूँगा अभी, मतलब आपके सामने देख लूँगा 4-5 वीडियोस ना अगले स्ट्रीम पे, बट ऐसा ज़बरदस्ती जानबूझ के तो नहीं किया यार मैंने, मतलब कुछ नहीं जानता तो नहीं जानता यार, बट एकदम रिस्पेक्टफुली बात की है उनके बारे में, तो इतना पता नहीं मतलब चड्डी टाइट क्यों हो गई है लोगों की, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वैसे गाइस कैरिमिनाटी की नए वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रही है। वॉइस ओवर के टाइम पर ये वीडियो पे ऑलरेडी 32 मिलियन व्यूज हो चुके हैं एंड मिस्टर बीस जो एक गोल सेट किए थे 10 मिलियन लाइक्स का, ऑलरेडी 5.8 मिलियन लाइक्स कम्प्लीट हो चुके हैं। वेल आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये लाइक्स कम्प्लीट हो पाएंगे, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट ये वीडियो की इतनी सक्सेस के ऊपर कैरिमिनाटी आज ये कहे, ये प्रोजेक्ट के पीछे काम करने के लिए पूरी टीम को शाउट आउट है। आगे गाइस वो ये रिवील किया कि एक टाइम पर 100 से ज्यादा लोग ये प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रहे थे, लाइक कैमरा क्रू, आर्ट डिपार्टमेंट, मेकअप आर्टिस्ट, प्रोडक्शन टीम। एंड कैरी खुद के लिए ये कहे कि वो बस भक्चुंदी करते हैं एंड व्यूअर्स के सपोर्ट से पूरी टीम को हेल्प मिलती है। एनीवेज नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। तो गाइस स्काउट वर्सेस मूवी मैटर होने के बाद में स्काउट एक भी लाइव स्ट्रीम नहीं किए हैं, तो ये चीज के बारे में आज वो रिवील किया कि वो स्ट्रीम क्यों नहीं कर पाए एंड साथ ही में बात किए BGMI ग्राइंड के बारे में, आप देख लो। यार तुम लोग मेरे को तुमसे सुना रहे हो कि भाई लाइव आजा लाइव आजा, सॉरी गाइस मैं लाइव नहीं आ पा रहा, उसका एक जेन्युइन रीजन है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं फिलहाल मुंबई में हूँ, कल एक और सिटी जाना है, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगा, घर आते ही धड़ाधड़ स्ट्रीम करेंगे। एक बहुत ही क्रेजी सीरीज स्टार्ट होगी हमारी, अगर आप लोगों को नहीं पता तो स्काउट एंड काश का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, एडवेंचर्स विद स्काउट एंड काश, और उसमें एक बहुत ज्यादा ही क्रेजी डुओ कोप गेम खेलने वाले हम लोग, एक्सप्लोरेशन और दोनों होगी। सो ये अगली स्ट्रीम होगी, ये कब होगी ये मैं अभी फेक प्रोमिसेस दे दूंगा, एक बार मैं घर पहुंच जाऊँ, सब चीज सेट कर लूँ, फिर आपको बता दूंगा डेट्स कब है। मैं एक छोटा सा अपडेट है, बाकी ग्राइंड तो चलती रहेगी, भले हम किसी भी स्टेट में हो या सिटी में हो,
ग्राइंड रुकनी चाहिए। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है डायनेमो की तरफ से, वो बात की है गेमिंग कम्युनिटी में बड़े कोलैप्स के बारे में। तो गाइस GTA गेम में हमको रोल प्ले देखने को मिलता है, वहाँ पर काफी सारे सर्वर्स है इंडिया में, जस्ट लाइक SA12 का है सोल सिटी, एक हाइड्रा का है एंड बाकी टीम्स का भी। एंड जितने भी GTA के फैंस है वो यही चाहते हैं कि ये सर्वर्स के बीच में कोलैप हो ताकि सारे प्लेयर्स हमको एक साथ में देखने को मिले। तो क्या फाइनली ये चीज अब पॉसिबल हो सकती है? ये चीज के बारे में बात करते हुए डायनेमो ये कहे, एक हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दिया था जब हमारा टीजर या ट्रेलर आया था, आई गेस याद नहीं अभी, कि वी आर ओपन फॉर क्या कहते हैं कोलैबोरेशंस एंड एवरीथिंग, बिकॉज हमारा माइंडसेट है कि देयर शुड बी वन कम्युनिटी, बट मेरा ऐसा माइंडसेट है कि देयर शुड बी वन कम्युनिटी एंड उस वन कम्युनिटी के लिए सब लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए टू प्रोवाइड बेटरमेंट एंड गुड स्टफ फॉर द प्लेयर्स। अब यार देखो हर किसी का ऐसा माइंडसेट नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है, तो अब उनको हम बोल नहीं सकते, बट वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। अगर कोई एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आता है हमारे पास, अगर हमें वो लगता है एक पॉजिटिव एंड एक अच्छी चीज टू मर्ज एंड टू कोलैब, डेफिनेटली विल गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हर एक बंदा एक रूफ के नीचे अच्छे से खेले, ऐसा ना हो कि सब डिवाइड होकर खेले। मतलब आई मीन ठीक है, सबका अलग अलग विजन है, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा यहाँ पे। एंड गाइस डायनेमो के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं उनके एक्स टीममेट अल्फा क्लैशर के बारे में। तो गाइस अल्फा क्लैशर बात किए उनकी शादी के बाद में उनकी वाइफ के फेस रिवील के बारे में, क्या उनकी वीडियोस या फिर व्लॉग्स में वो हमको देखने को मिलेंगी, आप देख लो। शादी के बाद फेस रिवील होगा तो होगा? नो। हेलो उत्कर्ष भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। आई मीन फेस रिवील अगर कंफर्टेबल है तो कुछ करूंगा, बट आई डोंट वांट कि यार पब्लिक में ज्यादा हम लोग हमारी पर्सनल लाइफ को लाए, बस देखते हैं यार। मतलब अभी नॉट श्योर, एनीथिंग इज नॉट श्योर। हो सकता है कभी हम लोग घूमने जाए तभी व्लॉग खाली दिप करूं मैं, है ना। हो सकता है कभी स्ट्रीम पे एक दो हाय हेलो करने आ जाए, बट ऐसा नहीं कि अराउंड कॉन्टेंट बनाऊं अभी फिलहाल, बट वंस एक बार सारी चीजें हो जाए उसके बाद सेटल डाउन हो जाए हम लोग दोनों, कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद अगर कुछ कंटेंट आने का मन करे थोड़ा का तो बना सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्राफ्टन की एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में। तो गाइस क्राफ्टन अनाउंस कर दिया ई स्पोर्ट कैंपस टूर 2024, जिसमें हमको काफी सारे गेम्स देखने को मिलेंगे लाइक BGMI, रियल क्रिकेट, रोड टू वेलोर एम्पायर एंड मेनी मोर। एंड ये पूरे कैंपस टूर के मैचेस होंगे 64 डिफरेंट कॉलेजेस के बीच में। एंड गेस व्हाट, इसका प्राइस पूल होने वाला है 2 करोड़ रुपीज। ऑलरेडी गाइस ये टूर 14 डिफरेंट कॉलेजेस में खत्म हो चुका है इंक्लूडिंग IIT कानपुर। तो काफी लोग गाइस ये चीज को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, वैसे अगर ये आपके कॉलेज या स्कूल में भी आया तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं थग इनविटेशनल के बारे में। तो गाइस सेमीफाइनल्स में इसके सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं, जो भी टीम्स फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करी है वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, इंक्लूडिंग टीम कार्निवल गेमिंग, टीम जेली, मोगो ईस्पोर्ट, टीम 8-bit, देन VST, गुजरात टाइगर्स, टीम सोल एंड दीस टीम्स। एंड साथ में गाइस अगर टॉप फ्रैगर्स की बात करें तो नंबर 1 पर चल रहे हैं गोब्लिन विद 41 फिनिशेस। और गाइस नेक्स्ट सेकंड इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आती है टीम सोल की IRL लाइव स्ट्रीम से। तो वहां पर गाइस टीम सोल आयोगी को जोलो चिप खाना पड़ा एंड उसके बाद उनका जो रिएक्शन था काफी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। जोलो चिप गाइस अगर आपको नहीं पता तो ये काफी थीका होता है, बट ये चीज के बावजूद भी आयोगी एज सच कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे, अब देख लो। आएगी भाई, लेट्स गो, पूरा 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 पूरा, अरे भाई भाई तालियां भाई तालियां 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 तालियां, अरे एक मिनट बैठना पड़ रहा है, उसके ऊपर से लाइक वो कॉन्स्टेंटली वो थोड़ा कर रही थी तो वो पाइल अप होके वैसा उसका रिएक्शन आ गया था, बट शी इज गुड, आई स्पोक टू हर। और गाइस नेक्स्ट है कि स्पोर्ट्स से अलग न्यूज है, हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो गाइस ये चीज को लेकर काफी लोग अभी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बेसिकली गाइस वो अपने व्लॉग में एक मैन की हेल्प किए, आप देख लो। चलो अंकल से पूछते हैं, अगर मैं सारे ले लूं तो कितने के दोगे? 20 रुपए का। कितने टोटल? 110।
दे दोगे मेरे को सारे खरीद लो। चलो गाइस एक काम करते हैं, सारे खरीद लेते हैं। फाइनली सारे ले लिए, तो हमने सारी कॉटन कैंडी खरीद ली है। भाई अंकल जी को सैल्यूट है भाई, उनका एक हाथ नहीं था, आपने देखा होगा एक हाथ नहीं था और एक हाथ से वो चला भी रहे थे और इतनी मेहनत करते भाई, तो मुझे लगा कि सारे खरीद लेने चाहिए, सारे खरीद लिए। मैंने उनको डबल पैसे भी दे दिए तो बहुत खुश हो गए थे। तो हाँ, इस तरह की और भी चीजें के कारण तो भाई कमेंट कर बताना। बाय द वे हम करते रहते हैं, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनको उनकी एजुकेशन और बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फिर ये लगता है ना कि तुम ब्लॉग क्यों बना रहे हो, ऐसे लोग बोलते हैं। तो बस गाइज फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, एंड इतना सपोर्ट करने के लिए गाइज थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।